Once again, how are you students? तो बच्चों last time हमने electricity chapter में current का एक formula किया था और formula था आपके सामने I is equal to charge by time और इसकी मैंने आपको trick बताई थी Q is quit इसका मतलब है अगर आप इस formula को set करेंगे वो होता है Q is equal to IT तो इसी तरह के trick मैं और लेके आऊँगा अपने next topics में फिलहाल आज के लिए जो topic है वो आपका most important topic है जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे लेकिन उसको करने से पहले इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक आता है उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जो आपके पूरे चैप्टर में आपको काम है अगर किसी ने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं फिजिक्स 10th क्लास में चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ डिवाइस बताना चाहूंगा वो क्या होते हैं तो बच्चों एक फर्स्ट डिवाइस हमारे पास होता है एमीटर एमीटर क्या करता है करंट को मेजर करता है अब ये करंट वही है जो हमने जिसको आई लिखा था जो सर्किट में ज्वाइन किया था और करंट आई आया था लेकिन वो करंट को मेजर कैसे करेगा तो मान लीजिए मेरे पास एक वायर है A, B, एक वायर है और इस वायर को मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट बड़ी साइड पॉजिटिव होती है छोटी साइड नेगेटिव होती है अब बच्चों डिवाइस से पहले ये एक टर्म आई है जिसको मैंने बैटरी या सेल बोला है तो इसमें फर्क समझ लीजिए फिर क्या है इसको समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी देखिए सेल सेल होता है जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है अब आपने पॉजिटिव को बड़ा बनाना है नेगेटिव को छोटा बनाना है और पॉजिटिव को भी एक एंड से ज्वाइन करना नेगेटिव को भी लेकिन इन दोनों को कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि आपने केमिस्ट्री में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूं मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और उसमें एक सोल्यूशन भरा होता है मान लीजिए कॉपर सल्फेट है या सोडियम सल्फेट है तो इस तरह का सोल्यूशन होता है उसमें एक रॉड रखी जाती है दो तरह की एक होती है कैथोड एक होती है एनोड मान लीजिए कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो एनोड क्या होगी पॉजिटिव चार्ज तो ये रोड्स वही है जो हमने यहाँ पे सेल की बात की है इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी कभी नहीं सुना होगा आपने अगर इस तरह के बहुत सारे सेल्स आप ज्वाइन कर देंगे तो वो बैटरी बन जाता वो कैसे बन गया देखिए देखिए अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन इस सारे सर्किट को अगर मैं बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं या एक चार्ज दे दूं पॉजिटिव नेगेटिव सिंपली आप बोलेंगे इसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल सर्किट से तो इनको चार्ज कर देगा अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको आप सेल बोलेंगे लेकिन अगर यही बात आपकी बैटरी के लिए की जाए तो देखिए कैसे बनाना है क्योंकि फिजिक्स में सिंपल गलत सब कुछ गलत तो पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव ऐसे उसके बाद आपने ये वाली लाइन बनानी है तो आपने पहले एक सेल बना लेना है अब आपने दूसरा सेल यही वाला बनाना इसी लाइन से ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला ऐसे आप जितने मर्जी कनेक्ट कर लीजिए अगर सेल बात करेंगे सेल की तो एक अगर ज्यादा सेल आ जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा बैटरी और जहाँ पे खत्म करेंगे मान लीजिए यहाँ पे खत्म कर दिया तीन सेल हैं तो मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और आपका ये काम हो चुका है जो आपको मैंने समझाना था यही था लॉजिक इसमें अब हम बात करेंगे इस पार्ट की एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं तो देखिए बच्चों एमीटर को आपने हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना सीरीज का मतलब है कि अगर यहाँ से करंट आएगा तो वो करंट जैसे ही वायर से पास करेगा तो उसके बाद वो एमीटर से पास होना चाहिए तो हमें पता चल जाएगा कि वायर से कितना करंट पास होके इस मीटर में आया है और एमीटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है और अगर बैटरी का नेगेटिव है तो उस साइड एमीटर का नेगेटिव और जिस साइड इसका पॉजिटिव है तो उस साइड इसका देखिए ये पॉजिटिव है तो घूम घुमा के ये पॉजिटिव की तरफ आ गया तो बस मेन सी बात समझ लीजिए जो समझाने वाली है कि एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है और ये हमेशा किस में लगाया जाता है सीरीज में लगाया जाता है इसके साथ ही हम एक डिवाइस करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर जिसको V से डिनोट किया जाता है इसको जैसे A से किया जाता है तो इसको V से करेंगे और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसका बैटरी ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है कैसे आता है देखिए वोल्टमीटर का सिंबल वी
इसके भी दो लाइंस लगाएंगे ऐसे ज्वाइन करेंगे वायर से पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी चीज को मैं यहां से फिर बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। मान लीजिए ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव और एमीटर आपने यहां पे लगा दिया, ओके ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मतलब होता है कि बैटरी के पास कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए इसके पास भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की औकात रखता है, पोटेंशियल रखता है औकात रखता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की। तो हमें पोटेंशियल सिर्फ बैटरी का मेजर करना है इसलिए हम इसको सिर्फ बैटरी के अलाउंग ही लगाएंगे। तो इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ और इसका पॉजिटिव देखिए घूम के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम बन जाती है सिंपल वाली, सर्किट डायग्राम है ये सिंपल वाली जो आपके सिलेबस में है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि जो आगे आने वाली है जैसे ही चैप्टर में आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसी खतरनाक सर्किट डायग्राम्स आएंगी जिनको मैं बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगा। चलिए आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं जिसके बिना चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता और उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको डिनोट करते हैं बी से। अब देखिए थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अगर आपने इसको मैं ऐसे मान लूं, चलो एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू। अब मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है जिसको मैं क्यू जीरो, इस जीरो को नॉट बोलते हैं, के एल नॉट ही मान लीजिए बोलने के लिए नॉट, इसको क्यू नॉट बोलेंगे। मतलब ये आपका है टेस्ट चार्ज। अच्छा इसको समझने के लिए आपको मैं मैग्नेट की टर्म्स में लेके जाता हूं। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, सपोज दिस इज अ मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट है। तो मान लीजिए ये मैग्नेट मैंने फिक्स किया होगा जैसे ये क्यू चार्ज फिक्स है और ये वाला टेस्ट मैग्नेट है यानी टेस्ट चार्ज है जो यहाँ पे है। अगर इस मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट करना है तो क्या ये इतनी दूर से अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। अगर हमने इसको इससे अट्रैक्ट करवाना है तो ये तो फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा धीरे 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 इसको क्या करूंगा स्लोली स्लोली इसके पास लेके आऊंगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ तक लेके आया मुझे अभी भी अट्रैक्शन शो नहीं हुई, लेकिन जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आऊंगा ये झट से इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका ये मतलब है कि इसका कोई रीजन है, स्पेस है, कोई जगह है जहां तक ये इसको अट्रैक्ट करता है, उसके बाहर अगर ये चार्ज रखेंगे तो ये इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा। उसी चीज को मैं समझाने जा रहा हूँ कि मान लीजिए ये चार्ज क्यू है तो ऑब्वियसली बात है इसके पास एक रीजन या स्पेस होगा जिसको आप रीजन स्पेस और हिंदी में आप इसको दायरा भी बोल सकते हैं या पंजाबी में दायरा भी बोल सकते हैं कि उसके पास एक अपनी जगह है। जैसे घर का गेट होता है, कोई हमारे घर के गेट पे आएगा तो हम उसे बोलेंगे वहीं रुक जाओ, लेकिन अगर गेट लगा है कोई बाहर ही घूम रहा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही इसके घर के गेट तक आएगा तो ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा और अगर ये घर के अंदर आना चाहेगा तो ये अपना और इफेक्ट दिखाएगा इस पे। अब ये चार्ज क्या है, इसकी वैल्यू है 1 कूलम। आपने इसे टेस्ट चार्ज माना है जिसको यूनिट चार्ज बोलते हैं, तो आपने इसको 1 कूलम माना है और इसको मान लीजिए इसकी वैल्यू 100 कूलम है। तो इसका ये मतलब हुआ मानने में क्या मैंने सपोजिशन क्या किया कि आपने ये वाला चार्ज जो भी देंगे उसके मुकाबले ये चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए। मान लीजिए 1000 कूलम होता, 1000 कूलम और इसको आप 10 कूलम 20 कूलम दे लेते, मतलब ये फिर भी उसके सामने 1000 के सामने बहुत छोटी चीज है। तो यही चीज अगर ये 1 कूलम है तो उसको मैं 100 टाइम्स मार रहा हूं ताकि मैं कह सकूं कि ये चार्ज उससे बहुत बड़ा है और यही इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ये पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अच्छा अब देखते हैं ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब मैं क्या करूंगा इस चार्ज को स्लोली स्लोली इसके पास लेके आऊंगा, लेकिन जैसे मैं इसके पास लेके आऊंगा मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए जैसे ये चार्ज इसके नजदीक आना शुरू करेगा यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे वर्क करना पड़ेगा ऑपोजिट। कैसे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ये इस पे कौन सी फोर्स लगाएगा, रिपेल वाली, पॉजिटिव पॉजिटिव किसी को रिपेल करते हैं इस साइड, लेकिन मैं फोर्स किस साइड लगाऊंगा इस साइड ताकि ये इसके नजदीक आए। मान मैंने कहा कि इस पे इफेक्ट इतना नहीं डालेगा लेकिन हल्का सा इफेक्ट तो पड़ेगा ना, ये इसकी लिमिट वैल्यू है, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो वीक हो जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इस पे हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये पीछे ना चला जाए। तो उसी वर्क को मैंने बोल दिया कि ये वाला वर्क क्या है कि मान लो ये चार्ज मैंने इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है इसके मुकाबले। अब इस मान लीजिए ये डिस्टेंस है आर, तो इस आर के लिए ये वाला पॉइंट बहुत दूर है तो उसको मैंने इन्फिनिटी मान लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि अगर मुझे वर्क करना है कहां से, इन्फिनिटी से लेके पी तक,
ये पॉइंट पी मान लेते हैं, इन्फिनिटी से लेकर पी तक कि मैं इन्फिनिटी से पी तक चार्ज लेके आऊंगा और कौन से चार्ज पे वर्क करूंगा वो है मेरा चार्ज क्यू नॉट, तो उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी पोटेंशियल पी। बात समझ आई नहीं है? अगर आप इसको ना भी लिखें तो भी आपका फॉर्मूला बन चुका है अगर आपने इजी न्यूमेरिकल्स करने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सुन लीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है यूनिट है टेस्ट है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू डेड पॉइंट। इस पॉइंट को बोलेंगे डेड पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां पे आपने उसे लेना, इसलिए डेड लगा दे, कोई भी हो सकता है कंसीडर करने के लिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू डेड पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका है? इस चार्ज का, कि इसकी वजह से हमें इतना वर्क करना पड़ा, अगर ये ना होता तो हम उसको इजीली कहीं भी लेके जा सकते थे। और चीज सुनिए ध्यान से, इसी में करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब ये यहाँ पे कितना इफेक्ट डालेगा जीरो, और ये वाला यहाँ पे कितना इफेक्ट डालेगा मैक्सिमम मान लेते हैं, तो मतलब ये पी पॉइंट और इन्फिनिटी पॉइंट है, तो जैसे हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फाइनल पॉइंट हमारा ये है, तो इसको लिखेंगे वीपी माइनस वी पैर में इन्फिनिटी। तो एक्चुअल में ये रियल फॉर्मूला यही है, लेकिन बुक्स में मेंशन नहीं किया होता, लेकिन बोर्ड के लिए आपको मेंशन करना होगा तभी आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे वरना नहीं होंगे। चलिए ये बात तो क्लियर होगी आपको कि पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव सॉरी इन्फिनिटी से डेड पॉइंट तक आएंगे तो वो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे फैक्ट जीरो है तो वी इन्फिनिटी आपने क्या करना है, जीरो पुट कर देना है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और वी पी को आप वी लिख दें तब भी चल जाएगा, वी पी लिख दें तब भी चल जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा इसका वी होगा। तो आप इसको बुकिश लैंग्वेज में ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी था आपके। अब चलिए बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, यहीं पे कर लेते हैं। देखो बच्चों ये पोटेंशियल है तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जैसे वोल्ट की बात की, लेकिन फॉर्मूले में देखिए वर्क आ रहा है, तो वर्क होता है जूल और चार्ज होता है कूलम। तो देखिए यहीं पे ऐसे कर लेते, इसी कर लेते, अब इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है वो आपने याद करनी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, डिफाइन वन वोल्ट। अब ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ, किसी भी चीज के आगे वन लगा हो तो आप उसका जनरल सा फॉर्मूला लिख लीजिए, उनके आगे वन वन लगा दीजिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, वन वोल्ट क्या होता है, वन वोल्ट इज दैट पोटेंशियल और वन वोल्ट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन वन कूलम चार्ज, वन जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन वन कूलम चार्ज, वो क्या हो जाता है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को याद करते हैं कैसे, मान लीजिए आपके पास ये दो चार्ज थे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए एक चार्ज था प्लस क्यू एक था क्यू नॉट, किसने बोला पोटेंशियल निकालो, तो चलो आप पोटेंशियल को W बाई क्यू लिखोगे, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं W बाई क्यू लिखें या V इक्वल W बाई क्यू नॉट लिखें। अब इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, कई बार इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में नीचे कौन सा क्यू लेना है वो गलत ले लेते हैं और उसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए क्या है, पहली बात तो हमने वर्क करना है ये वाला, तो वर्क किस पे कर रहे हो, मेरी लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से सुनिए, वर्क आप किस चीज पे कर रहे हो, इस चार्ज पे या इस चार्ज पे, तो देखिए हमने इस चार्ज को मूव कराना है तो जिसको मूव कराएंगे उस पे वर्क होगा, तो हमने इसको मूव कराया और इसके ऊपर वर्क किया, मतलब इसको मूव कराया और इसके ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज रखेंगे तो ऊपर आएगी, तो वैसे देखिए इसके ऊपर वर्क किया तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी इसके ऊपर वर्क आएगा और वर्क वाइज क्यू नॉट हो जाएगा, तो मतलब ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ये आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। I hope you understood. Note कर लीजिए, फिर आगे का concept बताता हूँ. Hope you noted it down. तो चलिए आगे का concept करते हैं इसी के base पे, जो है electric potential difference. अब देखिए ये भी बड़ी आसान सी चीज हो चुकी है, क्योंकि board के लिए ये most important topic है, most important. ये समझ गए तो मान लीजिए आधे से ज़्यादा chapter आपको समझ आएगा. अब देखिए मैंने क्या किया था पहले case में, Q charge था, उसका कोई रीजन था, मैं क्या कह इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज लेके यहाँ पे ले आया और कोई वर्क किया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं इस रीजन में यहाँ तक चार्ज ले आया जिसको मैंने पी पॉइंट मान लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे चार्ज इन्फिनिटी से नहीं लेके आना, मैंने चार्ज इसके रीजन में रखा और मैंने चार्ज पी से क्यू तक लेके आना है। अब देखिए पी से क्यू तक चार्ज लाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब पी से क्यू में चार्ज लाने में क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए जैसे चार्ज P से Q तक आएगा तो ये पॉजिटिव है और ये चार्ज Q नॉट है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव,
तो फोर्स कौन सी लगेगी रिपल्शन वाली इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिट सेम चार्ज लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, और मुझे फोर्स लगानी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर फोर्स ऑपोजिट लिख देता हूं, मुझे वर्क करना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के, और मेरे को फोर्स कौन सी मिल रही है उस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, और वर्क मुझे किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा इस रिपल्शन फोर्स के कारण, और मुझे वर्क किस चीज के अगेंस्ट करना पड़ेगा जो ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, मतलब जो ये वाला क्यू चार्ज उस पे ताकत लगा रहा है कि तू अंदर मत आ, लेकिन उसको हम फिर भी उसके रीजन में लाना चाह रहे हैं, तो मतलब वो वाला चार्ज उसको पुश कर रहा है और पीछे से मैं उस चार्ज को पुश कर रहा हूं, तो मतलब मैं उसकी पोटेंशियल जो चार्ज अंदर है प्लस क्यू उसके ऑपोजिट उसके पोटेंशियल के ऑपोजिट में वर्क कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर बनाने जा रहा हूं, जैसे ही मैं चार्ज को पी से क्यू तक लेके आऊंगा तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, और चार्ज कौन सा है क्यू नॉट। अब देखिए मैंने क्या कहा कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, मतलब ये इनिशियल इसको मैं आई लिख लेता हूँ, ये फाइनल है इसको मैं एफ लिख लेता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा जो वर्क होगा, वर्क मैं कैसे कर रहा हूँ पी से क्यू तक, ओके पी से क्यू चार्ज लगाने कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ क्यू नॉट पे कर रहा हूँ, और पोटेंशियल मेरा वी आएगा नहीं, इस पर वी पोटेंशियल नहीं आएगा, क्या आएगा क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल है और क्यू पॉइंट पे भी पोटेंशियल है, तो मैं क्या करूंगा अपना वही लॉजिक यूज करूंगा, कौन सा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब जैसे मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया तो अब चलिए रहने दीजिए इस पी क्यू को, रहने दीजिए सिर्फ डब्ल्यू लिख लीजिए, तो ये नीचे क्यू नॉट, अब वी फाइनल कौन सा पॉइंट है वी क्यू, और वी इनिशियल कौन सा पॉइंट है वी पी, तो मतलब आपका जो अभी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल होंगे वो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे। अब ध्यान दीजिए जो डिफरेंस होता है फिजिक्स में, डिफरेंस के लिए एक सिंबल बना है, डिफरेंस के लिए बच्चों आपने सिंबल यूज करा है ये ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसको, और उसको इस जगह पे डेल्टा बोला जाता है, दोबारा लिख देता हूं डी ई एल टी ए, बड़ा करके लिख दिया आपको समझ आ जाएगा कि डेल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस फॉर्मूले को अगर सही से लिखा जाए तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको आप पी डॉट डी पोटेंशियल डिफरेंस से भी याद कर सकते हैं, और ये रहा आपका फॉर्मूला। और एक गजब की बात सुनिए, इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है जो पहले वाला केस था, और जूल बाय कूलम लिखा है, तो मतलब अगर 1 वोल्ट पूछा जाए इसके केस में तो सेम डेफिनेशन रहेगी जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में की थी। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और कुछ टाइम लगेगा, 2-4 मिनट न्यूमेरिकल कराऊंगे तो उसके बाद ओम्स लॉ करेंगे जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस न्यूमेरिकल्स करके देखिए फिर बुक वाले कीजिएगा, आपको टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए मैं क्या करवाने जा रहा हूं बिल्कुल आसानी से, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह है पॉइंट ए, मैंने एक क्यू नॉट चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है उसको मैंने ए से बी तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है, मैं वर्क करूंगा डब्ल्यू जो कि मैंने बोल दिया 10 जूल वर्क किया है, और मुझे Q0 की वैल्यू चाहिए कि मैं कितना चार्ज लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमें Q0 निकालना है, लेकिन उसने हमें पोटेंशियल दिया है ऐसे जाना है A से B, यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट B पे। तो चलिए आंसर करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है अगर हमें कोई चार्ज A से B तक लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे उस चार्ज पे W by Q0, A से B है तो A से B यहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो रहने दीजिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपका फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए है या बी है, तो आपको ही बता आपका फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ए है, तो देखिए आंसर कैसे आएगा, देखिए डब्ल्यू कितना है 10 जूल, 10 लिख लीजिए जूल रहने दीजिए, क्यू नॉट हमें नहीं पता, अब वी भी कितना है, वी भी है हमारा 2 वोल्ट, और वी ए कितना है हमारा 10 वोल्ट। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे 10 बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस 8, अब देखिए बच्चों आंसर माइनस 8 आया है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करें देखिए तो Q0 कितना आएगा -10/8, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1.2 समथिंग कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट लिख लेता हूं मैं -1.2 कूलम, अप्रोक्सीमेट प्रॉपर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा आंसर क्या आया है कि मुझे पता चल गया कि मेरा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसी चीज से हमें पता चल जाएगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब चलिए अगर ये नहीं समझ आया तो ये देखिए, अगर ये आ भी या नहीं भी आया तो भी देखिए क्या चीज चल रही है, मान लीजिए मुझे 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक चार्ज लेके जाना है, कौन सा चार्ज है 10 कूलम चार्ज, ठीक है पी से क्यू,
और मुझे वर्क निकालना है। तो सिंपल सा काम है, वर्क क्या होता है, वर्क बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू वी फाइनल, क्यू माइनस वी इनिशियल। वर्क कैसे चल रहा है, अब देखिए वर्क निकालना है, क्यू नॉट कितना है 10, वी क्यू कितना है 10, ये कितना है माइनस 2। तो डब्ल्यू बाय 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क कितना आ जाएगा 80 जूल्स आ जाएगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट। एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप कर पाएंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मेरे को तो भूल जाएगा। कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, लास्ट वाला, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उन चला वाला, और धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाए। अब देखिए जैसे ही आपने, मैंने बोला कि ये चार्ज कोई प्लस क्यू चार्ज ये है, और ये आर रेडियस का स्फीयर है, क्या है स्फीयर। अब इस ए पॉइंट से लेके मैंने बी पॉइंट तक ये क्यू नॉट चार्ज को मूव करना है, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी मूव करना है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर होगा, सारे डिस्टेंस आर है। अगर आर है तो मान लीजिए सर्कल ना होता, स्फीयर ना होता, तो ये क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल होता, हमें पता है वो पोटेंशियल होता बी, क्योंकि हम ए की पॉइंट है तो ए की पोटेंशियल आएगा बी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आर डिस्टेंस पे इस साइड कोई दूसरा पॉइंट है वो भी आर डिस्टेंस है, तो क्या, मान लीजिए ये ए है तो इसको मैं ए मान लेता हूं, अगर ये बी पॉइंट है तो उस पे पॉइंट कितना, पोटेंशियल कितना होगा, बी भी, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो मतलब जितना इफेक्ट ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे लगाएगा उतना इस पॉइंट पे लगाएगा। और अगर देखा जाए तो अगर इस दोनों को पॉइंट्स को मैं ऐसे मिलाऊं आर आर, तो एक सर्कल या स्फीयर बन जाएगा, सर्कल बन जाए स्फीयर बन जाए डजंट मैटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्कुलर वे में चार्ज घूम रहा है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी हो जाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो चलिए यही वाला न्यूमेरिकल करते हैं। वो कह रहा है कि आपका कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा है और आपने आर डिस्टेंस है और आपने चार्ज को ए से बी मूव कराना है, क्यू नॉट चार्ज है, और आपने वर्क कितना किया वो निकाल दिया, कहता वर्क कितना किया वो निकाल दिया। तो वर्क कैसे निकाले, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू किस पे कर रहे हैं, क्यू नॉट पे, इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ए से बी जा रहा है तो बी भी माइनस वी है। अब डब्ल्यू बाई क्यू नॉट तो है ही, लेकिन बी ए बी भी क्या है, बी और बी ये भी क्या बी है, तो मतलब डब्ल्यू बाई क्यू नॉट कम्स आउट टू बी जीरो। इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू कितना आ जाएगा जीरो, मतलब अगर सेम पोटेंशियल पे हमें वर्क करना है, सेम पोटेंशियल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी को लेके जाना है, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकता है ऑब्जेक्टिव बेस में, कि अगर आप इस रीजन में चार्ज कहीं से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहे हो तो आपका वर्क डन कितना होगा, आपको वैल्यू दे देगा 10 जूल 20 जूल 30 जूल और एंड में ऑप्शन दे देगा जीरो। तो जीरो तो कोई बच्चा सोच नहीं पाएगा, लेकिन जिसने ये वीडियो देखा है वो सोचेगा कि हाँ पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे वर्क को जीरो कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।